अरे सुनो सुनो ना, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं। हाँ, मेरा कुछ खो गया है। क्या खो गया है? मेरा बचपन खो गया है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, मेरा मेरा बचपन खो गया है। पता नहीं यार कब खोया, शायद तब जब मैं 12 साल का हो गया था, या फिर शायद तब जब मुझे पता चला कि स्वर्ग और नरक ये तो वास्तव में होते ही नहीं, ये ऐसी चीजें ज्योग्राफी की बुक में मिलती ही नहीं है। सुनो, हाँ मेरा बचपन खो गया है और मुझे नहीं पता कहाँ खोया है। शायद तब खो गया हो जब मुझे ये पता चला कि वास्तव में ये जो बड़े लोग होते हैं ना, हाँ वही जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं, वो इतने भी प्यारे नहीं होते जितना हम उन्हें बचपन में मानते थे। या फिर मेरा बचपन तब खो गया जब मुझे ये पता चला कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्यारे उपदेश दे सकते हैं, प्यारी बातें बोल सकते हैं, पर प्यारे बन नहीं सकते। सुनो ना, मेरा बचपन खो गया है और मुझे नहीं पता कब खोया। शायद तब खो गया हो जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं औरों से अलग हूँ, मेरे विचार औरों से अलग हैं, मेरा मन वास्तव में मेरा ही है, मैं खुद को औरों से अलग मानता था। शायद मेरा बचपन तभी खो गया हो जब मुझे ऐसा अहंकार हुआ, मेरे अंदर ऐसा एटीट्यूड आया कि मैं औरों से अलग हूँ। सुनो ना, मेरा बचपन खो गया है और मुझे नहीं पता कि मेरा बचपन कहाँ गया। ये कौन से शहर में है, मैं कहाँ ढूंढूँ, कहाँ छुपा है मेरा बचपन। शायद हो सकता है मेरा बचपन उस छोटे से बच्चे के चेहरे में चला गया हो, क्योंकि उस बच्चे के चेहरे की मासूमियत कभी मेरे चेहरे पे हुआ करती थी। अरे हाँ सुनो ना, मेरा बचपन चला गया है किसी और के बचपन में, और अब मैं बड़ा हो गया।